Hello and welcome back. My name is Mohsin Ahmed. I am trainer and founder at Credible Academy. So this is lesson number 2 of Python expert training. और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथन में बेसिकली कैसे हम देखते हैं फ्रॉम द बेसिक्स. और आज हम बेसिकली देखेंगे कि हम पाइथन में जो वेरिएबल्स होते हैं, डेटा टाइप होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, तो उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना. और यहाँ पर आज आपको देखने को मिल रहा होगा पाइथन शेल का थोड़ा फॉन्ट जो है वो बेसिकली इंक्रीज़ हो गया है. और फॉन्ट को बेसिकली अगर आपको फॉन्ट साइज मिनिमम या मैक्सिमम जो भी रखना है, चेंज करना है, तो आपके पास एक यहाँ पर टैब्स में एक ऑप्शन होता है. ऑप्शन में आप जाएंगे कन्फिगर IDLE और यहाँ पर आपके पास बेसिकली साइज़ का ऑप्शन होता है. तो आप यहाँ से बेसिकली चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना. तो हमने थोड़ा साइज़ यहाँ पर बढ़ा लिया है, ठीक है ना. चलिए खैर, तो स्टार्ट करते हैं. न्यू फाइल लेते हैं, न्यू एंड देन न्यू फाइल, ओके. और उसको हम देखते हैं, थोड़ा उसको हम कर लेते हैं ये ऐसे, ठीक है ना. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है यहाँ पर हमें देखना है, जो आज टॉपिक कवर करना है, सबसे पहले है वेरिएबल, डेटा टाइप एंड ऑपरेटर. और कुछ चीज़ों को समझते हैं, जैसे कीवर्ड्स, ये क्या होता है, ठीक है ना. और तो सबसे पहले वेरिएबल की कुछ बात आती है, ठीक है ना. वेरिएबल के लिए डेटा टाइप्स, और डेटा टाइप्स के लिए हमें समझना पड़ेगा कीवर्ड, है ना. तो ऐसे ये इंटर रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें हैं, या फिर मैं इनको थोड़ा सा रिलेट करके आपको बता देता हूँ. सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर होती है कीवर्ड्स की. कीवर्ड्स को सबसे पहले देख लेते हैं. कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए उसने अपने लिए रिजर्व करके रखा है, यानी उसका कंपाइलर जो है उसका कुछ अपना मीनिंग होता है. फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी पर्टिकुलर वर्ड को यूज़ करते हैं तो कंपाइलर समझ जाए कि आप उससे क्या इंटरेक्ट करना चाहते हैं, या फिर आप उससे क्या कहना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पर प्रिंट लेते हैं, तो प्रिंट एक फंक्शन है, फंक्शन को हमें डिफाइन करना पड़ेगा. लेकिन कुछ होते हैं कीवर्ड, ठीक है ना. अब ये कीवर्ड्स जो हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको यूज़ करना है इफ़, या फिर आपको यूज़ करना है एल्स, या फिर आपको यूज़ करना है फोर. तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पर कलर रेड हो जाएंगे, यानी जिनका कलर चेंज हो जाएगा, वो सब हमारे पास कीवर्ड्स होंगे, ठीक है ना. जैसे इन, जैसे इज, ये सारे हमारे कीवर्ड्स हैं. इनको आप बेसिकली, इनका एक अपना मीनिंग है और आप उसे उस पर्टिकुलर मीनिंग में ही यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा आप इनको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना. चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं. कीवर्ड की हमने बात समझ ली है, तो हम देखते हैं डेटा. डेटा टाइप क्या होता है? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिस चीज़ को भी आप इनपुट करा सकते हैं या फिर आउटपुट करा सकते हैं, ठीक है ना, वो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए होता है डेटा. फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पर डेटा के साथ डील कर रहे हैं, आप किस टाइप का डेटा इनपुट करा सकते हैं, किस टाइप का डेटा आउटपुट करा सकते हैं. आप स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं, आप नंबर यूज़ कर सकते हैं, फ्लोटिंग नंबर यूज़ कर सकते हैं. तो बेसिकली ये हमारा होता है डेटा, ठीक है ना. हम इन डेटा को इनपुट एंड आउटपुट करा सकते हैं. इस लैंग्वेज में हम बेसिकली इन टाइप्स के अकॉर्डिंग हम इंटरैक्ट कर सकते हैं. तो इस डेटा का जो भी टाइप है ना, तो उसे हम डेटा टाइप बोलते हैं. और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमें किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले पता होना चाहिए कि इसका डेटा टाइप क्या होगा. लेकिन पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है, वहाँ पर आपको उसको, उसके वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए ये वहाँ पर रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि उसके डेटा टाइप के बारे में आप उसको बताएं, ठीक है ना. क्योंकि वो बेसिकली खुद से ही डिटेक्ट करता है कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक वेरिएबल लिखा ABC, तो दिस इज़ वर वेरिएबल. और यहाँ पर एक असाइनमेंट ऑपरेटर लगाता हूँ. असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, मैं ये भी आपको बेसिकली क्लियर करूँगा ऑपरेटर्स में. उसके बाद हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर एक वैल्यू डालते हैं विच इज़ 10. तो जैसे ही मैं इस 10 को रन, इस प्रोग्राम को रन करूँगा, तो यहाँ पर पाइथन का जो कंपाइलर है वो समझ जाएगा कि ABC जो है वो 10 टाइप का है, ठीक है ना, यानी इंटीजर टाइप का है, ठीक है ना. तो 10 कोई टाइप नहीं होता, इंटीजर टाइप का है, ठीक है ना. तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है. फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ABको एक वेरिएबल ले लेता हूँ और डबल क्वोट्स के अंदर वहाँ पर लिखता हूँ हेलो. अब ये समझ जाएगा कि AB का जो टाइप है वो स्ट्रिंग है. ठीक वैसे ही मैं अगर एक A वेरिएबल लेता हूँ
और उसमें पास करा देता हूँ 45 point something, ठीक है ना। अब ये जो होगा ये अल्टीमेटली क्या डिटेक्ट हो जाएगा, ए का जो टाइप होगा तो द टाइप ए वुड बी डबल टाइप, फ्लोट टाइप, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है, आपको एक एक्स वाई जेड ए बी एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, उसमें कोई वैल्यू असाइन करनी है, वो अल्टीमेटली खुद से क्या हो जाएगा, वो पाइथन का कंपाइलर समझ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो दिस इज़ व्हाट बेसिकली वेरिएबल्स आर, है ना। और अब हम देखते हैं कि किसी ऑपरेटर्स के बारे में। तो ऑपरेटर्स यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, जैसे सबसे पहले हम ऑपरेटर देखते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, यहाँ पर इज इक्वल्स टू जो ये हम लिखते हैं, दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर। ये इक्वल्स टू ऑपरेटर नहीं है, ये यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर का वर्क होता है कि कोई वैल्यू किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में असाइन करना। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ए, एक मेरा ए वेरिएबल है, यहाँ पर लगाया मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसके बाद मैंने लिखा 10, विच मीन्स ये जो मेरा ए है, ठीक है ना, ये जो ए है, ये जो वैल्यू 10 है, इस 10 को हमने असाइन किया है ए के अंदर। और हमेशा आपको एक बात याद रखनी है, इज इक्वल्स टू ऑपरेटर से पहले वाली जो ये जगह होती है, इसको बोलते हैं हम LHS। आपने आपको याद होगा जब आप स्टार्टिंग में पढ़ते थे ना, मैथमेटिक्स पढ़ते थे फोर्थ स्टैंडर्ड में, फिफ्थ स्टैंडर्ड में, तो आपको ये सब चीज़ें याद आ जाएंगी। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, यहाँ मैंने लिखा है। इसका मतलब है RHS में जो भी वैल्यू है वो असाइन होगी LHS के अंदर। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि LHS वाली वैल्यू असाइन होती है RHS के अंदर, ठीक है ना। ये रूल कहीं पर भी नहीं है, हमारे मैथमेटिक्स में भी नहीं है ये रूल। रूल हमेशा होता है RHS वाली वैल्यू LHS के अंदर असाइंड होती है, ठीक है ना। ये हमेशा आपको बात याद रखनी है। अब उसी बिहाफ पर मैं एक छोटा सा आपसे एक टेस्ट ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने वैल्यू डाला 20, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ A इज इक्वल्स टू B। तो अगर आप देखें तो अब आप मुझे बताएं क्या वैल्यू किस में असाइन हो रही है, क्या कुछ हो रहा जाए, ठीक है ना। तो A की वैल्यू है 10 एंड B की वैल्यू है 20, ठीक है ना। तो जो B की वैल्यू है वो A में असाइन हो गई है। अगर मैं यहाँ पर A को प्रिंट करूँगा तो A में जो आएगा वो 20 हो जाएगा, और अगर B को प्रिंट करूँगा तो B में भी 20 हो जाएगा, क्योंकि B की वैल्यू हमने A में असाइन की है। तो B की वैल्यू जो है वो ही A की वैल्यू हो गई है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आता है कि जो A के अंदर वैल्यू थी 10 वो कहाँ गई। बेसिकली जैसे ही किसी वेरिएबल में एक नई वैल्यू अपडेट होती है तो पुरानी वाली वैल्यू जो है वो लॉस्ट हो जाती है, नई अपडेटेड वैल्यू वहाँ पर आती है, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको वेरिएबल के केसेस में आपको समझना होता है। अब सेकंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है वेरिएबल के लिए, वेरिएबल जो भी आपने यहाँ पर वेरिएबल का नाम दिया है वो हमेशा स्टार्ट होना चाहिए या तो अल्फ़ाबेट से या फिर अंडरस्कोर से, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में बिगनिंग में आप एक टेस्ट कर सकते हैं, आप सिर्फ एक अल्फ़ाबेट वाले वेरिएबल्स ही यूज़ करेंगे। बस इम्पॉर्टेंट बात है कि वो वेरिएबल जो है वो कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर जो बेसिकली हमें करनी है वो कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को वेरिएबल बनाना चाह रहा हूँ तो वेरिएबल ऐसा नहीं हो सकता जैसे 4 इज इक्वल्स टू 10, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 4 क्या है, 4 अल्टीमेटली मेरे लिए कीवर्ड है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कीवर्ड है। तो उसको मैं एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकता हूँ। तो जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको मैं वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकता हूँ, ये आपको बात ध्यान रखकर चलनी है, दैट्स इट, ठीक है ना। बाकी आप कितने भी वेरिएबल लीजिए जो कि अल्टीमेटली कीवर्ड्स नहीं है, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। खैर, अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेटर, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बेसिकली क्या करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास आता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड्यूलस, ठीक है ना। ये ऑपरेटर्स बेसिकली हमारे लिए मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल लिया ए, उसके अंदर एक वैल्यू डाला विच इज़ 20, एंड एक वेरिएबल लिया बी और उसके अंदर एक वैल्यू डाला 30। अब मुझे यहाँ पर परफॉर्म करना है फॉर एग्जांपल सम, तो सम के लिए मैं क्या करूँगा, ए प्लस बी, विच मीन्स सम के अंदर ए प्लस बी का एडिशन हो जाएगा। फिर एक ले लेता हूँ एस यू बी, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ए माइनस बी, तो यहाँ पर उसका सब्सट्रैक्शन आ जाएगा। फिर ले लेता हूँ एम यू एल टी, विच मीन्स मल्टीप्लाई, और सेमीकोलन तो हम यहाँ पर नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो मल्टी और उसमें ए इंटू बी
ओके एंड देन हम यहाँ पर लेते हैं डिवाइड, डी आई वी इज इक्वल्स टू ए डिवाइड बाय बी, ठीक है ना। सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज हमारे पास है मॉड्यूलस। मॉड्यूल का मतलब है, मॉड्यूलस का मतलब है रिमाइंडर निकालना। तो रिमाइंडर के लिए हम लेते हैं एक वेरिएबल, मैंने लिखा रिमाइंडर। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए मोड बाय बी। तो अब क्या होगा, तो ए को जब हम मोड करेंगे बी से, या फिर मैं इसको करता हूँ बी को जब हम मोड करेंगे, फॉर एग्जांपल बी को मोड किया मैंने ए से, ठीक है ना। तो जो भी जो रिमाइंडर वैल्यू आएगी वो इस रिमाइंडर वेरिएबल में बेसिकली असाइन हो जाएगी, ठीक है ना। और फिर उसको हम बेसिकली मल्टीप्लाई करा, हम ये प्रिंट करा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इन सब चीज़ों को कमेंट कर देता हूँ, कमेंट, एंड इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है ना। और एक इनका प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने एक स्पेस दिया है, अननेसेसरी स्पेस थे तो मैंने हटा लेता हूँ, जिससे कि मैं प्रिंट स्टेटमेंट वहाँ पर लगा पाऊँ। तो मैं यहाँ पर एक प्रिंट ले लेता हूँ, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर लिखता हूँ सम, ठीक है ना। और सम को भी बेसिकली मैं ऐसे लिख देता हूँ, सम इज इक्वल्स टू एन कॉमा एस यू एम सम, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। और उसके बाद कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, अगेन कंट्रोल वी एंड अगेन कंट्रोल वी, और सम के बाद हम ले लेते हैं एस यू बी सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट के लिए हमारे पास है एस यू बी, ओके, एंड फिर है हमारे पास एम यू एल टी, विच इज़ एम यू एल टी, मल्टीप्लीकेशन के लिए हमने यूज़ किया है। एंड द लास्ट वन इज डिवाइड, और डिवाइड के लिए हमने डी आई वी यूज़ किया है, डी आई वी, एंड द लास्ट वन इज रिमाइंडर, ठीक है ना, आर ई एम ए आई एन डी ई आर, ठीक है ना। आप स्पेलिंग एक बार देख लीजिए, जस्ट टेक केयर ऑफ द स्पेलिंग्स, और आर रिमाइंडर, ओके ना, ओके, यहाँ तो बिल्कुल ही गलत हो गई है, रिमाइंडर, ओके, चलिए। तो इसको हम सेव करते हैं, और सेव करते हैं आप कहाँ पर, हमने कल एक बेसिकली क्या किया था, एक जगह हमने स्टोर किया था अपना पाइथन के लिए, पाइथन टेस्ट के नाम से। और यहाँ पर हम ओ पी आर ई ऑपरेटर्स एंड वेरिएबल डॉट पी वाई, हमेशा याद रखना है कि एक्सटेंशन डॉट पी वाई होगा, ठीक है ना। और इसको सेव करेंगे, और सेव करने के बाद F5 प्रेस करेंगे, विच मीन्स हम इसको बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो दूसरा है हमारा ये, तो पहले सम आ जाता है, सम है 50, ठीक है ना, सॉरी, और सेकंड आ जाता है माइनस टेन, ठीक है ना। माइनस टेन क्यों आया है, क्योंकि 20 में से 30 जाएगा तो माइनस टेन आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आएगा, और डिवाइड करेंगे तो 0.666 फ्लोट वैल्यू आ जाएगी, और रिमाइंडर 10 आ जाएगा। तो दिस इज़ बेसिकली क्या है कि हम कैसे ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं, और ये सब हमारे वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल्स को हमने अल्टीमेटली यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है ना। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। तो मैं चाहता हूँ आप नॉर्मल ऐसे सारे ऑपरेटर्स यूज़ कीजिए, और छोटी छोटी जो आपकी प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना, उन वाली प्रॉब्लम्स को यहाँ पर लिखिए, कैलकुलेशन वाली चीज़ कीजिए, और थोड़ा इससे अवेयर हो जाइए, थोड़ा ईज हो जाइए जो बेसिक सिंटैक्स है, ठीक है ना। और जैसे आप कंफर्टेबल हो जाएंगे तो आपको और भी बेसिकली प्रोग्राम करने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। एक प्रोग्राम आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पर दे दे रहा हूँ, जिससे आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल है राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू गेट टू वेरिएबल्स एंड स्वैप देम। इसको यहाँ पर हम कर लेते हैं एक, ये थोड़ा इसको, दो वेरिएबल्स आपको डिक्लेयर करने हैं और दोनों को स्वैप कर देना है। फॉर एग्जांपल स्वैप का मतलब क्या है, यहाँ पर मेरा यहाँ पर एक वेरिएबल है ए, उसके अंदर वैल्यू है 20, एक वेरिएबल है बी और उसके अंदर है 30। तो ऐसा कुछ लॉजिक लगाइए, ए के अंदर तो 30 आ जाए एंड बी के अंदर 20 आ जाए, ठीक है ना। ऐसा कुछ कीजिए, कितने भी वेरिएबल ले सकते हैं आप, कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी कीजिए, ठीक है ना। लिटरली आपको वैल्यू चेंज करके प्रिंट नहीं करनी है,
ठीक है ना, लेकिन आपको लॉजिक लगाना है और यही आपका होमवर्क है, ठीक है ना। चलिए ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट लेसन के साथ। ओके बाय बाय, टेक केयर।